जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। नशस्त में जो खुसूसी तौर पर पाकिस्तानी कैनेडियन वुमेन सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की है और सेनेटर सलमा अताउल्ला जान साहिबा को यह मधु किया है। हम इस तकरीब का कुछ अहवाल आपको दिखाएंगे। पहले पाकिस्तानी कैनेडियन वुमेन सोसाइटी के कुछ अहदेदारान और जिम्मेदारान से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज का ये प्रोग्राम किस हवाले से है। फरजाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं डॉक्टर बाबरा राधा को भी देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए आज का प्रोग्राम किस हवाले से है और आपने जो इस नशस्त का एहतमाम किया है वो क्यों किया है? सेनेटर सलमा ताला जान आ रही थी इस शहर में तो हमारी सोसाइटी ने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी कम्युनिटी के कुछ लोगों को उनके साथ उनके गेट टुगेदर कराएं और उनसे एक डिस्कशन रखें। बिकॉज शी सच अ हाई प्रोफाइल सेनेटर तो हमने सोचा कि उनसे हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे मेनली विद द फोकस ऑन वीमेंस इशूज़ एंड हाउ शी डील्स विद इट एंड हाउ द सेनेट वर्क्स। एक एजुकेशनल भी इसका एक पर्पज था जी। अच्छा ये मुझे बताएं डॉक्टर बाबरा कि जो आपकी सोसाइटी है वो बहुत एक्टिव है
और चाहे वो पाकिस्तान फेस्टिवल हो या कोई और ऐसा ओकेजन हो जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, तो बहुत एक्टिवली आप लोग उसको न सिर्फ ये पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि प्रमोट भी करते हैं. तो आज आपने ख्वातीन के हवाले से जो इशूज़ हैं उन पर बात करना है, क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक्चुअली इसीलिए हमने इसे सिर्फ औरतों के लिए रखा था कि औरतें जो हैं वो फील करें कि दे आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, कि वो किसी किस्म के भी इश्यूज़ जो हैं वो जो है हमारे सेनेटर हैं उनके साथ डिस्कस कर सकती हैं, रेज कर सकती हैं. हमारे बहुत सारे यंगर बच्चे हैं जो कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो हमने स्पेशली अपने यंगर बच्चों को बुलाया था ताकि वो डॉक्टर या अपनी सेनेटर अताउल्ला जो हैं उनके साथ डिस्कस कर सकें, उनको पता कर सकें कि वो कैसे पॉलिटिक्स में आ सकती हैं. बिल्कुल, तो कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा ओकेजन रहा. लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी की चार औरतों को इस मौके के ऊपर जो है वो रिकग्निशन दी गई है सेनेट ऑफ कैनेडा जो है उससे, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. ये खाली हमारे लिए प्राउड मोमेंट नहीं है, मेरे ख्याल में सारी पाकिस्तानी औरतों के लिए ये बहुत ऑनर की बात है. और नाज़रीन मैं ये बता दूँ कि फरजाना ने एक छोटा सा जो है वो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट किया है सेनेटर अताउल्ला सलमा अताउल्ला जान के साथ, तो वो भी हमारे आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है. देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान. Lane Home Furnishings invites you to discover the joy of seating that moves to the rhythm of your life. Hurry in for very special savings on all Palliser reclining motion seating at Lane. Save on sofas, recliners, sectionals, everything that reclines, all with award-winning good looks. Custom built in Canada for the way you live today. Hundreds of styles, leathers, and fabrics, including gorgeous performance covers. The Palliser Motion Event, on now at Lane Home Furnishings. खुश जायका मिठाइयाँ खानी हो या निमको खाना हो, चाट समोसे या गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा हो या हलवा पूरी का मूड हो, तो आइए पाक पंजाब स्वीट्स और उम्दा मिठाइयों का लुत्फ उठाइए. मिठाइयाँ, निमको, चना पूरी, केटरिंग और बहुत कुछ. पाक पंजाब स्वीट्स 128 और 96 के कॉर्नर पर. पाक पंजाब स्वीट्स. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ हैं इंतखाब अहमद. आपके साथ आज हमारे साथ ऑनरेबल सेनेटर जी. आज दिल अपना पाकिस्तान में एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती मौजूद है कि जो न सिर्फ ये कि कनाडा में पाकिस्तानियों के लिए काबिल इफ्तिखार है बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमान बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं, उन सब के लिए ये बात नहायत बाइसे इज़्ज़ो शर्फ है कि सेनेटर सलमा जान जो हैं वो सेनेट में यहाँ मौजूद हैं. और न सिर्फ ये कि हमारा कद बढ़ा रही हैं, पाकिस्तानियों का कद बढ़ा रही हैं, बल्कि एक खातून होने के नाते से बहुत ही अज़्म व हौसले के साथ मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन कर रही हैं. और आज दिल अपना पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर यहाँ मौजूद हैं. आपको वेलकम कहते हैं सेनेटर साहिबा. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम. और नाज़रीन मैं ये भी बताऊं कि सेनेटर सलमा जान जो हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं. आप अगर इनकी बातें सुने और जो इन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किए हैं, जो मूव्स इन्होंने किए हैं, वो बहुत ज़्यादा काबिल सताइश हैं. और जब इनसे बात करें तो महसूस होता है कि वाकई शी इज़ अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. और हज़रत अली का कॉल है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ, यानी आदमी अपनी ज़बान के पीछे छुपा है, जब बोलता है इंसान तो पता चलता है कि वो क्या है. और जब आप सेनेटर सलमा जान से गुफ्तगू करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी काबिल खातून हैं और इनके ख्यालात किस कदर आला व अरफा हैं. आज यहाँ वैंकूवर में एक छोटी सी गैदरिंग हुई है, कुछ ख़वातीन जो हैं वो इकट्ठी हुई, जमा हुई और उन्होंने सेनेटर सलमा जान के साथ एक मुलाकात की, एक बैठक की. और ख़वातीन को और जो कम्युनिटी को कुछ मसाइल दरपेश हैं
और जो कुछ अहम इश्यूज़ हैं उन पर बात की, और इस हवाले से सेनेटर सलमा जान ने बड़ी उम्दा गुफ्तगू की और बहुत ही सरासर गुफ्तगू रही है, वो हम प्रोग्राम के बीच बीच में आपको झलकियाँ दिखाते रहेंगे। आप ये बताइएगा सेनेटर साहिबा कि जहाँ तक आप पहुँची हैं अब माशाल्लाह इस मकाम पर, यहाँ पर लोग पहुँचने की आरज़ू करते हैं, तो ये सारा आपका जो सफ़र है ये क्या वाकई इतना पुरखार था रास्ता, या आप आसानी से पहुँच गए? नहीं बहन, कोई रास्ता पुरखार नहीं होता। जब इंसान कहीं पहुँचना चाहता है तो जस्तजू करनी पड़ती है। मैंने जो किया अपनी ज़िंदगी में, तो मैंने देखी कि एक जगह में एक नीड थी, एक वो देयर वाज अ प्लेस देयर, वहाँ पे किसी को चाहिए था कि वो आके वो काम करे, तो आई वुड स्टेप फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ी, वो काम मैंने किया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ये कर रही हूँ, ये वॉलंटियर काम कर रही हूँ, वेदर बच्चों के साथ या कम्युनिटी के साथ, कि मुझे क्या मिलेगा। मुझे ये एहसास था कि ये काम करना चाहिए, और फिर ऐसा है कि वो कम्युनिटी में जाके फिर आपका नाम लोगों को पता चल जाता है, कम्युनिटी को, कम्युनिटी से बाहर लोगों को, और इसी तरह मेरा जो सियासी सफ़र है शुरू हुआ। कितना आपका सियासी सफ़र कितने सालों पर मुहित है? मैं तकरीबन मेरा ख्याल है 2000 और एंड ऑफ 2006 2007 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए जो अल्लाह जब चाहता है कि कुछ हो जाए तो रास्ते जो है बड़े आसान हो जाते हैं। हमारे लिए अल्लाह ने कोई प्लान बनाया है, और बस मैं कहती हूँ कि मुझे खुद लोग पूछते हैं कि सेनेटर कैसे बनी, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया और वो बस हो गया। मगर यू नो काम किया है, बहुत मैंने काम किया है कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ। तो पॉलिटिकली तो मैं इन्वॉल्व हो गई लेट 2006 2007, मगर उससे पहले कोई यू नो 15 साल मैंने वॉलंटियर काम किया कम्युनिटी के साथ। आपने कोई किताब भी लिखी है? नहीं, मगर मैं लिखूंगी। अच्छा। आपको पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, वाटर कलर आर्टिस्ट, मगर इंशाल्लाह मैं लिखूंगी जो मेरा सेनेट का एक्सपीरियंस है। बाज़ ऐसे बातें होंगी उसमें जो मैं अब नहीं कह सकती, जब रिटायर होंगी तो मैं वो कहूँगी। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें कि सेनेटर साहिबा जो है वो 11 इयर्स से एक्टिवली जो है वो सेनेट में, और वैसे जो कैनेडा की पॉलिटिक्स है उसमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इन 10-11 बरसों के पीछे 15 साल की पूरी रियाजत है, और ये ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से पलक झपकते ही यहाँ तक पहुँच गई हूँ, बहुत इन्होंने मेहनत की है। और इनका जो ओरिजिन है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी है, जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो चाहे हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी मुल्क की शहरियत इख्तियार कर लें, जो हमारा रिश्ता है अपनी मिट्टी से वो जुड़ा रहता है। तो पाकिस्तानियों को बहुत ही फ़ख्र होता है जब वो सलमा साहिबा को देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों के हवाले से तासुर और पाकिस्तानी के हवाले से तासुर है उसको बेहतर बनाने में सलमा साहिबा एक बहुत ही पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। तो नाज़रीन, हम एक वक्फ़ा लेते हैं, और इस वक्फे के बाद आप हम पूछेंगे सेनेटर साहिबा से कि इनका जो पॉजिटिव रोल है वो कैसे इन्होंने अदा किया, और ये इंस्पायरेशन है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि यहाँ पे किस तरह से ये गोल अचीव किए हैं इन्होंने। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। वैंकूवर की जान सलमा जान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वेलकम बैक जी। तो आप ये बताएं कि जो पाकिस्तानियों का और इस्लाम का जो मस्बित पहलू है, जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है, उसको उजागर करने के लिए जो आप कंधों पर जिम्मेदारी है और आप अपना रोल प्ले कर रही हैं, उस हवाले से जी मुझे ये बहुत एहसास है कि मैं पाकिस्तानी ओरिजिन की कनेडियन हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, और मैं मेरे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो मैं करती हूँ, जो मैं कहती हूँ, वो रिफ़्लेक्ट करते हैं कम्युनिटी पे। तो बड़े एहतियात से मैं अपनी लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो है मेरी ताकत है। आज आपने देखा कि कितने औरतें आई थी, जवान औरतें भी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई आके हम डिस्कशन किया, क्वेश्चन आंसर, और सब लोग मुझे ये हैरत हुई कि हर एक आके वो मुझसे कह रहा था कि बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के।
तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपसे सीखती हूँ, आप हमसे सीखते हैं, हम जो इकट्ठे हों ना तो वही हमारी ताकत है, और हमें चाहिए कि हम इन्वॉल्व हो जाए पॉलिटिक्स में। हम आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, और हम जो ओल्डर जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, तो हम अब भी सोचते हैं यू नो पाकिस्तान का, मगर हमारे बच्चे जो हैं वो जो है ना वो कनेडियंस हैं, तो उनको हमने आगे ले आना है, उनको सियासत में इन्वॉल्व करना है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक सियासत में इन्वॉल्व हो, मगर लाजमी है कि हमारी आवाज़ हो वो उस मेज पे जहाँ पे डिसीजंस बनते हैं, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो। बिल्कुल, मैं ये बात ऐड करना चाहता हूँ नाज़रीन, क्योंकि हम लोग जो अपने बच्चों के साथ यहाँ कनाडा आए और यहाँ पे हमने अपनी अपनी जगह पे बहुत हिम्मत से की और हम आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कनेडियन जो बच्चे हैं यहाँ पे वो भी इसी तरह से पार्लियामेंट में आए, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट्स में जाएं और इसी तरह से दूसरे जगहों पे जाएं जहाँ पे फैसले होते हैं, जैसे आपने बताया। सलमा साहिबा की ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही साफ गो हैं और हर बात बहुत दिलेराना अंदाज से कह देती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिस पर लोग गुफ्तगू करने से एतराज़ करते हैं, या बहुत सारे सवालात जो हैं उनके जवाब नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, मगर ये बड़ी बहादुर खातून, बड़ी दिलेर खातून हैं। इनमें न सिर्फ ये कि तेज़ो तुन सवालात सुनने का और कभी बेजा तनकीद सुनने का हौसला भी है, बल्कि ये बड़ी नरमी से जवाब देती हैं, बल्कि ये भी कह भी रही थी सलमा साहब, देखिए ना हर दफ़ा आपको प्यार करने वाले लोग ही नहीं मिलते हैं, कभी आपको तंज करने वाले लोग भी मिलते हैं, कभी आपको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि जो आपसे वो सवालात करते हैं जो जो महज टीज़ करने के लिए होते हैं। उनको टैकल करना, उनको बहुत ही डिसेंसी के साथ जवाब देना, ये बड़े हौसले की बात है। ये कैसे आया आपने? ये मैं जो है तो इंसान की इज्जत करती हूँ, और हम जो हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी एक जैसे राय हो, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे, ठीक है इज्जत से करे, डिसएग्री करे मेरे साथ, मगर ये है कि अपनी कम्युनिटी है, कभी अच्छी बातें होती हैं, कभी बुरी बातें होती हैं, सुन लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि पर्सनली ना लूँ जी। ये ट्रिक ये है कि, और ये है ना कि दुनिया घर में भी जो दो तीन बंदे रहते हैं तो इख्तलाफात तो आते हैं, मगर ये है कि जनरली एज अ होल कम्युनिटी से बहुत बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली है। तो आप क्या देखती हैं कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो कनाडा की नेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकती है? ये आपने देखा होगा, आप कई सालों से मुझे देख रही है, मैं जब भी जाती हूँ तो आखिर में मैं लोगों को यही कहती हूँ कि भाई प्लीज़ गेट इन्वॉल्व पोलिटिकली, लाजमी है। और मगर मैं बच्चों, आज आपने सुना क्वेश्चन भी था, तो मैंने कहा कि देखो पहले आप देख लें, क्योंकि सियासत हर एक के लिए नहीं होता। बाहर से हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कितनी ग्लैमरस ज़िंदगी है, मगर रियलिटी ऐसी नहीं है। वो आप मानते, मेरा फ़ोन ऑन होता है 24 आवर्स, आज सुबह लिटिल आफ्टर 6 मेरा फ़ोन बजा, और अगर आप टोरंटो में हैं, मैंने कहा नहीं मैं तो वैंकूवर में हूँ, कोई मसला आया सॉल्व करना है, यू हैव टू बी अवेलेबल। और ज़िंदगी ऐसी तरह गुजारनी है कि स्पेशली अगर आप पॉलिटिक्स में हो, कि जो काम आप करें, जो बात आप करें, वो आपको ऐसा होगा कि जैसे आप बर्फ में चल रही हैं और सब कुछ नज़र आ रहा है, वही अगर आप सियासत करेंगे तो ज़िंदगी ऐसी गुजारे कि आप पे कोई ऐसी बात पर ना आए जी। तो बच्चों को ये मैं समझाती हूँ कि जो आप फेसबुक पे डालते हैं, जो आप ट्विटर पे डालते हैं, यू नो स्नैपचैट पे, ये एहतियात करें। एहतियात करें बिल्कुल जी, बस ये चीज़ें जो है हमेशा के लिए रहती हैं जी। बिल्कुल, सियासत होनी भी यही चाहिए कि शफाफियत हो उसमें और आपका करेक्टर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, ताकि लोग आप पे एतबार करें जो आप बात करते हैं। अब ये जो बात इन्होंने की है जिम्मेदारी की, और जैसे इन्होंने कहा कि सुबह जो है वो तकरीबन 6:30 बजे जो है एक फ़ोन आया इनके पास और इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। अब ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि हर कोई लाइमलाइट में आना चाहता है, हर कोई जो है वो इस ग्लैमर को एंजॉय करना चाहता है कि हम भी कोई सेनेटर बन जाएं, हम भी कोई मिनिस्टर बन जाएं और हमारे लोग पज़ीराई करें और हम में मानो खुसूसी बन के चले जाएं। मगर जब हम एक पब्लिक ऑफिस में जाते हैं तो आप पर न सिर्फ की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है, बल्कि आपकी ड्यूटीज़ भी बढ़ जाती हैं। फिर आपको जो है वो लोगों से मिलना है, लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, लोगों के जो सवालात हैं, जो क्वेरीज, उनका जवाब भी देना है। और अक्सर जो है
वो मीडिया रात को 12 बजे भी आपको फ़ोन कर सकता है कोई बात पूछने के लिए, कोई किसी के वैसे भी लोग फ़ोन कर सकते हैं, तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए. तो आप क्या फोर्सी करती हैं कि आने वाले दिनों में आपको उम्मीद है हमारी कम्युनिटी के हवाले से? बिल्कुल, हमेशा हमेशा आई ऑलवेज से कि होप इज़ विक्ट्री, कभी यू नो नाउमीद नहीं होना चाहिए. और अगर आप देखें तो हमारी कम्युनिटी बहुत आगे बढ़ रही है और ओंटेरियो में इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने अपने नाम नॉमिनेशंस के लिए आगे किए हैं. आई एम होपिंग कि होंगे 2-3 यू नो पाकिस्तानी ओरिजिन के कैंडिडेट्स. मगर ये मैं लोगों को ये भी कहती हूँ कि भाई आप ना घबराएं अगर यू डोंट सक्सीड, यू नो फेलियर ना घबराएं. यू नो ज़िंदगी में ये तो नहीं है कि बस सिर्फ विन विन विन, यू नो कभी कभार हार भी हो जाता है, तो वो तो नॉर्मल जिंदगी है. हार जो है वो जीत की तरफ पहला कदम होता है. बिल्कुल, जितना आप गिरते हैं उतनी दफ़ा संभल के खड़े हो जाते हैं. और नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में आपको कुछ उर्स की झलकियाँ दिखाते हैं जो एक नशिस्त हमारी सेनेटर सलमा जान के साथ हुई है और जिसमें जो वैंकूवर की ख़वातीन हैं वो यहाँ जमा थी, उन्होंने अपने मसाइल से उनको आगाह किया. टोरंटो से आप तशरीफ़ लाएँ. टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत वसी है, ज़्यादा है, यहाँ वैंकूवर में मुख्तसर है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वैंकूवर वाले भी इनसे ही इसी तरह प्यार करते हैं जैसे पूरा कैनेडा वाले. देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान. वैंकूवर की जान सलमा जान, Vancouver ki jaan dil apna Pakistan. In this next segment, we would like to recognize significant efforts and contributions made by members of the PCWS since its inception. As a token of appreciation, the Government of Canada commissions pins for parliamentarians to award to individuals to recognize their achievements. The pin is made with the original copper that covers the roof of the center block of Parliament Hill. A true Canadian symbol. Recipients being recognized today embody Canada's 150th theme of promoting a diverse and inclusive Canada. First of all, I'd like to call upon Roxana Sharik, also one of the directors of PCWS. She has been a treasurer on the executive committee and has been with the society since 2010. She has made the immense contributions and donations to sustain society's humanitarian work. Roxana Haji, you are the fun element of our society. See, it's beautifully done, and we were all given about 10 minutes to distribute. And I give 4 years in Vancouver because I was so impressed with all the work you do. So I hope you will enjoy it, and you know. Please have it. Next, we have Dr. Barbara Rana, the visionary founding director of the society. Barbara inspired 12 women to join the committee and started a historical movement of dialogue between Pakistani women. She has recently been recipient of the Women of the Decade in Community Leadership. We are proud of you, Barbara. So what steps can we take to make sure that you know those women are not deterred from you know following their passion to represent Canadians because of the way that they may be perceived or some of the commentary they might get from people in the community who are not as I guess ready to modernize their approaches? So if you had any ways that we could tackle that. When I joined the Senate, I still make a point of being better dressed, better put together, because if I don't, this young, the poor immigrant woman, she doesn't know. Mm-hmm. You know, that's an extra burden which we should not have to carry, but we unfortunately do carry it, mm-hmm. because we're a visible minority. So, you know, they have to be very, very strong, and there's Toronto's full of them. Oh my God, the poetry. So, I don't know how many of you are aware of Get Out the Muslim Vote. Have you heard about the... So what happened was that what was happening with the niqab issue and with the, you know, what was happening in Quebec, these young people, professionals, got involved and they said, listen, we're all talking. And I know the person who got the idea behind it. We worked together and he's a conservative. And they said, we have to organize. You can actually, and I've heard some of my MPs say that you can write a book about how they organized. Because when I could stand up,
in my caucus and I would say we need to reach out to the Muslims, I would be told 10 to 12% of the Muslims come out and vote because we weren't voting. And I remember when I ran, I needed to move 3,000 votes to be able to beat that person. 8 to 10,000 Pakistanis in my riding. How many came out to vote? Very few. Because everything is computerized, you see the list, you see who's come out, it's all fed into the computer, it tells you exactly what you need to vote. So everybody would say 10 to 12% of, you know, the Muslims are coming out to vote. But this time, 79% came out to vote. The Muslim, you know, get out the Muslim vote dinner is a huge event. 1,100 people last year, they had to turn people away. This year they're looking for a bigger venue. And it's young Muslims who come out, and you have every single political party send their best people, they come there and they talk, and they, because they were proactive. And they showed them that we can organize. You know, we need to do that. We have to put ourselves out there. It's not easy. It's not easy. But you know, anything that you do, and the higher you want to climb, the more difficult it is. But you must never be afraid of failure. We all fail. You know, the trick is to get up again and start, you know, all over again, or start from at the point where you left off. You know, failure is part of life. I lost the election. A year and a half later, I'm a senator. Thank God I'm a senator. I wouldn't have lasted as an MP. I mean, I think I put up with nonsense. You should hear what they put up with. And believe me, it's with all of them. Women are judged by what they wear, whether they're MPs. We had a Winnipeg mayor who wore the same suit. He did an experiment for 1 year. Nobody noticed. God help you. I was in New Brunswick. And they came to me, Senator, what are you wearing? A black outfit, shalwar kameez. Oh, Senator, what, we've seen that on Facebook. I said, but I'm a person of limited means, you know, I have to repeat my outfits. As women, we're judged differently, we're looked at differently. And if then you're wearing, you know, but the person who is wearing a hijab has already shown that they're very, very strong. Because when you take that decision, it's not a decision you take lightly. Yeah. Thanks, Susan. So we have this last question on behalf of the PCWS. This is really session is ending after this question. So you have to come back, I think, right? Yes. Vancouver ki jaan, dil apna Pakistan. Dil Pakistani hai. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इफ्तिखार ठाकुर। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान मलीहा गजन के साथ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। साथियों हज़रात, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तानी मलीहा गजन के साथ।